सब्सक्राइब कीजिए कुक विद स्मृति चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ सर्दी जुकाम बुखार से बचने का। आजकल सीजन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और दवाइयों के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, तो आप घरेलू नुस्खे अपनाएं। आज हम ये एक ड्रिंक बना रहे हैं, ये काढ़ा जैसा है लेकिन ये पीने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं है, तो आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी भी एज के लोग इसको ले सकते हैं और आप दिन में 2 से 3 बार इसको पी सकते हैं। काढ़ा बनाना शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए, और अगर आज का ये रेमेडी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन रख लिया है और आप इस काढ़े को ज्यादा मात्रा में बना के स्टोर भी कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी इस पैन में और इस पानी को अब हमें गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 से 7 लौंग और ये 6-7 लौंग हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। लौंग अगर आपको खांसी है तो बहुत अच्छा काम करती है, सबसे ज्यादा खांसी रोकने में आपको फायदा देगी और साथ ही साथ जुकाम और बुखार में भी ये फायदा करती है क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 हरी इलायची, इसको ऐसे हाथ से दबा दें ताकि हल्की सी खुल जाए। आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं पर मैं साबुती डाल रही हूँ हल्का सा दबा के। ये छोटी वाली हरी इलायची जो आपको जुकाम सर्दी में गले में खराश और दर्द सा होता है उसमें तो राहत देती ही है, साथ ही जो हरारत या बुखार सी हो जाती है उसको दूर करने में भी बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम डालने वाले हैं इसमें 5 पत्ते तुलसी के। तुलसी जो है वो हर तरह की बीमारी में रामबाण की तरह हर चीज में काम आती है, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है, तो तुलसी के पत्ते जरूर डालें। मेरे पिछले वीडियो पे काफी लोगों ने पूछा था कि हमारे घर में तुलसी नहीं है, नहीं है तो आप आसपास से ले लें, पर कोशिश करें कि इसको जरूर डालें क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगला मैंने लिया हुआ है 7 से 8 दाने काली मिर्च के और 1 बड़ा टुकड़ा हमें चाहिए होगा अदरक का। मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा अदरक कूटने वाला ले लिया है जो घर में होता है। आप किसी भी चीज में ये जो काली मिर्च के दाने हैं इनको थोड़ा सा कूट लें, इनको साबुत ना डालें ताकि इनका ज्यादा हमें असर मिल सके। और इतना टुकड़ा मैंने 1 इंच के करीब ले लिया है अदरक का। अगर अदरक का टुकड़ा ना हो तो आप इसका जो सूखा पाउडर आता है ड्राई जिंजर पाउडर है जिसको सौंठ पाउडर बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं और उसको भी 1 चम्मच भर के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक के थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि कूटने में थोड़ी सी आसानी हो। अदरक अकेन जुकाम खांसी बुखार इन सब चीजों में बहुत अच्छा काम करता है और काली मिर्च जो है वो बुखार में भी काम करती है और खासकर जुकाम में बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे हम अदरक और काली मिर्च को बहुत अच्छे से कूट के इसके अंदर डालेंगे। आप अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मेरी बाकी सभी होम रेमेडीज घरेलू नुस्खे देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां जाके जरूर इस तरह के घरेलू नुस्खे देखें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। तो यहां मैंने दोनों चीजों को कूट कर इसके अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट हम इसमें डालने वाले हैं 1/2 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन जो है वो छाती में जमे हुए कफ को निकालने में बहुत ज्यादा फायदा करती है, तो अगर आपको बलगम वाली खांसी है, कफ है आपको, तो आप अजवाइन जरूर डालें। और अजवाइन गर्म भी होती है तो शरीर से सर्दी निकालने में भी ये मदद करती है, तो अजवाइन का स्वाद जरूर थोड़ा सा तीखा सा और अलग सा लगता है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है, तो आप इसको जरूर डालिएगा। नेक्स्ट हम इसमें डालने वाले हैं 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है अगर कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाए तो वो कूट के डाल सकते हैं, अदरक जैसी ही दिखती है, लेकिन मेरे पास यह पाउडर अवेलेबल है अभी मार्केट में, कच्ची हल्दी नहीं है तो मैं वो डाल रही हूँ, कच्ची हल्दी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है, हल्दी एंटीबायोटिक है और अगर आपको गले में खराश और दर्द वगैरह होता है उसमें फायदा देती है, जुकाम में फायदा देती है, इसीलिए आपने देखा होगा सर्दियों में हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो हल्दी आप जरूर डालें, ये आपको काफी फायदा देगी इस रेसिपी में। अगली चीज हम इसमें डालने वाले हैं 1 बड़ा सा टुकड़ा गुड़ का, या करीब आप समझ लीजिए 2 से 3 टेबलस्पून भर के गुड़ आप ले लीजिए। गुड़ एक तो गर्म होता है, अगर आपके पास पुराना गुड़ हो तो और ज्यादा फायदा करेगा, साथ ही साथ आपके इस जुकाम बुखार वाली स्थिति में भी फायदा करेगा और इसके स्वाद को भी सही कर देगा। चीनी चूंकि खांसी को बढ़ाती है तो इसलिए हम चीनी नहीं डालेंगे और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, और जो गुड़ है वो स्वाद अच्छा कर देगा, मीठा कर देगा, तो बच्चों को भी पिलाने में आसानी होगी और आपको भी काढ़ा आप दिन में 2 या 3 बार पिए बहुत आसानी से पी लेंगे। अब हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से उबालना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए खोल खोल के, ताकि सारी चीजों का अर्क इसमें बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आ जाए।
तो करीब 10 मिनट तक हमने इसको धीमी गैस पे अच्छे तरीके से उबाल लिया है, और इतनी देर में ये जो हमारा काढ़ा या जो हमने पानी डाला था उसकी क्वांटिटी लगभग हाफ रह जाती है, रिड्यूस हो जाती है, आधा रह गया ये। इस स्टेज में अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो बस 10 मिनट में झटपट से ये नुस्खा तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको छान लेंगे अच्छे तरह से, और ये देखिए हमारा 1 कप काढ़ा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इस काढ़े को पीने से पहले आपको इसमें एक चीज और मिलानी है जो आपको आपके जुकाम, सर्दी और खासकर खांसी में या गले के दर्द में बहुत राहत देने वाली है, और वो चीज है शहद। तो जब आपका काढ़ा गुनगुना रह गया है, हल्का गर्म है, बहुत तेज गर्म तो आप पी भी नहीं पाएंगे, बच्चे भी नहीं पी पाते हैं, और बहुत तेज गर्म में शहद मिलाना नहीं चाहिए। तो जब ये थोड़ा गर्म होता है उस समय इसमें 1 चम्मच हमने शहद मिला लिया है, और ये जैसे कि आपके कफ सिरप मार्केट के होते हैं उस तरीके से एक देसी सिरप आपका तैयार हो गया है। और अब आप इसको गर्मा गर्म ही पीजिए, इसको ठंडा करके नहीं पीना है। आपका जितना भी बचा हुआ काढ़ा है उसको आप स्टोर करके एक जार में छान के ग्लास में रख लीजिए, लेकिन जब भी आप उसे पियेंगे तो आपको गर्म करके ही पीना होगा, ये गर्म ही फायदा करता है। और दिन में कितनी भी बार आप इसको पी सकते हैं, और सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा फायदा आपको तब ये देगा जब आप रात को सोने से जस्ट पहले इसको गर्म गर्म पी लें और ओढ़ करके सो जाएं। इस काढ़े के बाद आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अगले आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, और जब भी आपको ऐसा देसी नुस्खा अपना रहे हैं जैसे आपको सर्दी जुकाम है तो आप थोड़ा सा परहेज रखिए, ठंडी चीजें ना खाएं, ठंडा पानी ना पिए, और आप बहुत ज्यादा एसी में या बहुत ज्यादा ठंडे में ना रहें, अदरवाइज आपको फिर ये चीजें फायदा नहीं करेंगी क्योंकि आप उधर से सर्दी वापस गेन करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको काफी फायदा होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।